बाग को लगाया था। अच्छा महाराज बहुत जबरदस्त सूकर है, तो मारा नहीं उसे? महाराज हमने बहुत रोका, लाठी से पर बहुत लाठी लगाई महाराज, इसलिए उसने हमें घायल कर दो, 18 ठही टूटो परिया था। अच्छा हाँ बहुत बज्जो रहे पीर रही महाराज, चिल्ला नहीं रहे महाराज, बहुत दर्द हो रहा, पलस्तर चढ़वाए के आए। अच्छा हाँ पलस्तर चढ़वाए के आए। तो तुम अच्छा ये बताओ जे पलस्तर कब से होने लगा? योगी चलाओ महाराज। अच्छा हाँ अखिलेश भैया ने अपनी गाड़ियों पर रंग करवाया था रोडवेज पे। हाँ। अब योगी कलच चल रहा हो महाराज, जो सरकार में आ जा तो अपो कलच चला तो रंग अपो जमा दो। हाँ तो सुनो बोला महाराज, बहुत बज्जो रहे महाराज, ये चिल्लाए को रहो आवाज निकल जा दर्द के मारे महाराज, पीर फटी जा रही। वो समय हो के ना महाराज, वो समय तो इन्हें गबड़ा लिंदी हमें। अच्छा हाँ बोलो महाराज। तो एक काम करो माली, अभी चले जाओ। अबे महाराज हाँ सुबह हम देखेंगे कैसा सूकर है। अबे महाराज कौन समय है? शाम का समय है। शाम को? ये संध्या का समय है, कोई भी आता है, कोई अतिथि आता है, कोई दुश्मन भी आ जाए उसको भी नहीं मारते हैं। अच्छा दुश्मन आ जाए बाबू द्वारे ठहरा दे। हाँ ठीक है महाराज। तो देख महाराज सुरेश भैया 55 साल की उम्र है, झूठी नहीं बता 55 साल के। अब कुदाओ तो पतराजी पे संग ढोलक बजाना, सोली पे चढ़ना है। 55 साल की उम्र है, सवेरे बात करी दीदी ने, दिनेश बाबा बताओ महाराज कि राजी बेचिया बेचिया 75,000 सोमवार को गाय को इंतजाम कर ले, घर बहुत परेशानी हो जाए तो गया ले दी 40,000 रुपए 50 के आ जाए 20 लीटर की दूध। हमारे घरे और दीदी घरे अगर दूध 4 किलो है तो हम लोग पिए तो नहीं, फिर तुम बाल बच्चा खाओ हमें न दे, अगर दूध चाहिए तो। अब तुम बकात कथा नाल रही सुरेश भैया, बेमाए भैया बैठे मौसी भैया का नाम। अब एक करेल भागवत बैठी थी भाई दीदी की रिकॉर्ड टोरी भी रही संजा को, दीदी ने कही इतने हमें कैसे भूख लगी, घर की बात है तो घरे दूध नहीं है तो हम गए 1.5 लीटर दूध लेके आए और 250 ग्राम और रबड़ी लेके आए, झूठी नहीं कह रहे हम, और खाए की हम चितर रहे मौत है, हम के नेकात बाद हमें दे थी और हम लड़ जाते थे खाए भी और खाए क्या बोली। अब कच फरे गए इतने से 1.5 लीटर दूध और 250 ग्राम रबड़ी ये कदम पी लेती। परिषद महाराज ये खातब की आवाज है और बिटिया कथा काती पे हो ये आवाज देखी गैयर आवाज है महाराज। अब तुम लोग कात गए दीदी पुरानी वाली कथा कब बाय दे सुरजन सिंह काते एक कड़ी आला की सुनबे में एक बीघा खेत बिक जात, और दीदी की एक कड़ी डोला सुनबे में आधो किलो रबड़ी संजा खवाए दो सवेरे दिन भर में फ्री गब्बा, आधो किलो रबड़ी एकदम खा लेती है झूठ नहीं कहा तो न कोई मानो तो खपाए के देख लियो चाहे तो दिन होता करो घर आधे किलो कटोरा एकदम पी के फ्रिका के दिन हम कचो फरी गए। अब बता तुम आश्रय में सही कहा था 2 किलो दूध भेसी बकरी भेस की रबड़ी दत दे और बम ने कहू अगर मखरी खा जाए बाद में ने कहू कटोरा चाटी में भी मिल जाए तो बड़ी बात तुम आश्रय हो चलो महाराज कटोरा मान के दत देती चाट के हेलो रबड़ी खा दी चल भैया। अरे हम हम सत्य बोल तो गद्दी बेटे में लड़ जाते मोए दीदी को हम लेके आए और मोए चम्मच में थोड़ी सी दत्ते पप्पू भैया की बहू थोड़ी दत्ते हमें यहाँ तुम शांत हो जाती हो जी मोह को थोड़ी अगर न दे तो हमारी देव बर जात फिर हम लड़िए दूसरे को कितना लड़ जाए मोह चाहे कछु कर हमारे रामदास भैया 100 रुपया दे रहे। अब हम चलो कोई बात नहीं हमने बेशरम है कछु हमारे भाइयों को देखो रो संग भैया माओ है जी ढोलक वालो फिर शरीर सरी दोई इकने आता हूँ आए कहीं वाव भाई यू देखो रो संग चल भैया धर ले तू चल रान दे अभी कहीं सामान जो भी कहा बात भैया माव है तो मारा तो घोड़ा सजा ले सब मर गए तो जुई बहु तो गोल गोविंद भगवान की तो घोड़ा सजा ले महाराज देखी परे अब जो माली रोता हुआ चला है बगीचे के लिए। हरिश्चंद्र कहने लगे ये शाम का समय है संध्या का समय है। अरे सायम को बत और दुख मति दिए रे का
हुआ गया। सुबह हुआ हरिश्चंद्र ने देखा, मंत्री को बुलाया।